मेरा करियर, पहले मैं बॉक्सिंग खेलता था, यानी बॉक्सर था, इंटरनेशनल बॉक्सर, 4 टाइम गोल्ड हूँ, बॉक्सिंग में बड़ा अच्छा नाम था मेरा। तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मेरे को बॉक्सिंग छोड़ना पड़ा, जिसके बाद मैंने गाना शुरू किया, और गाना मेरे को सिर्फ मेरे ब्लड में मिला है मेरे को, और मेरे मदर फादर से मिला है। तो जैसे मेरे फादर तबला भी आते थे और मेरे मदर गाते थे। पाजी मैं दिल्ली से आया हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, और आपके बारे में पाजी बहुत कुछ सुनने को मिला है कि आप बहुत बढ़िया गाते हैं पाजी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बारी आपकी जो आवाज़ का जो जादू है वो पाजी हमको सुनने को मिले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सुनावांगे तुहानू, क्योंकि मैं अपनी मिट्टी नाल जुड़िया होया, तो मैं चाहूँगा सब सारे लोग मैं उत्थे सुनावा, मेरे खेतों च जाके अपने उत्थे मैनू एक माहौल मिलता गाण का, अच्छा लगता है, मैं उत्थे सुनाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप उत्थे चलिए सारे जने। एक बूटा काये दा है, एक बूटा काये दा, मैं गली गली लब बैठिया, गली गली लब बैठिया, पता लग्या नी माये दा है, पता लग्या नी माये दा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो अरुण जी मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस गाने को आप अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑर्केस्ट्रा किया जाए, क्यों साक्षी कैसा रहेगा, व्हाट डू यू थिंक? सुमित जी और साक्षी जी रियली मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके हैं। और रियली मैंने माही जी की जो कंपोजिशन और इनके जो गले के सुर के अंदर जो ठहराव है जी, रियली अमेजिंग। मैं खुद चाहता हूँ इनके साथ अपने गिटार के साथ एकम्प्लीमेंट करना। Good morning.
sir. I cannot believe. Amazing song. Thank you so much. Yeah, beautiful. वाकई हरुण जी आपने तो थोड़े ही समय में इस गाने में चार चांद लगा दिए. Thank you, साक्षी. Yes, you're right. I love the song. ये song पंजाबी में था ना, love पंजाबी. But don't you think, Sumit, कि इस song को अगर हम हिंदी में करें तो सारी देश की ऑडियंस इसे सुनेगी. Yeah, साक्षी वाकई ये सुपर आइडिया है. सुमित जी, साक्षी जी, मुझे इस गाने को हिंदी में लिखने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा.